वेलकम टू पिनाकेल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हम कर रहे हैं एस एस सी टी वन पेपर ये जो पेपर है अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न है पेपर कोड है हमारा वन डबल जीरो टू जीके का सेक्शन करूंगी आपके साथ हिंदी मीडियम में और ये एक पहले आया हुआ पेपर है अब पहला क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर्स से है जो पूछा गया है आपसे ओ एस आई नेटवर्किंग मॉडल में कितनी परतें होती हैं हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ओ एस आई नेटवर्किंग मॉडल जो ओ एस आई है इसका मतलब है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल ये जो मॉडल है ओके ये एक नेटवर्किंग फ्रेमवर्क होता है जो इंप्लीमेंट करता है प्रोटोकॉल इन लेयर्स को और इसमें टोटल आपकी सात लेयर्स होती हैं आंसर हमारा डी है अगला क्वेश्चन क्रिसमस कार्ड वॉज इन्वेंटेड बाई अब क्रिसमस कार्ड का आविष्कार क्रिसमस कार्ड का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था अब देखिए क्रिसमस कार्ड का भी आविष्कार हुआ ये मेरे लिए भी थोड़ी चौंका देने वाली जानकारी थी कि क्रिसमस कार्ड का आविष्कार हुआ खैर किसने किया ये आविष्कार ये आविष्कार करने वाले थे सर हेनरी कोल ओके ये हमारा आंसर है आंसर बी है फर्स्ट क्रिसमस कार्ड इसको दिया गया सर हेनरी कोल द्वारा ओके और एक व्यक्ति था जॉन कैलेट जिन्होंने इसको इलस्ट्रेट किया था

नेम द सोर्स फ्रॉम विच एस्परिन इज प्रोड्यूस्ड एक स्रोत का नाम बताइए जिससे एस्परिन का उत्पादन किया जाता है जो एस्परिन होती, होती है और वाइट विलो जो होता है उसका जो बार्क होता है उससे एस्परिन पाया जाता है बार्क जो होती है वाइट विलो की इट कंटेन्स सैलिसिन एक सब्सटेंस है सैलिसिन ओके सेलिसिन जो कि एक केमिकल होता है सिमिलर टू एस्परिन तो ये कहाँ से प्राप्त की जाती है ये प्राप्त की जाती है विलो के बार्क से विलो की छाल से आंसर 29 के लिए ए कैनिस फेमिलारिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैनिस फेमिलारिस जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है आपने जरूर ये वर्ड सुना होगा कैनाइन C A डबल N I N E कैनाइन सॉरी C A N I N E कैनाइन के9 -E, क्या होता है कैनाइन किससे रिलेटेड है डॉग से रिलेटेड है तो कैनिस फेमिलारिस जो है ये डॉग का साइंटिफिक नेम है क्वेश्चन नंबर 30 आंसर हमारा बी है Okay. <laughs> नेम द एसिड प्रेजेंट इन लेमन यहां से पूछा गया है कि नींबू में स्थित अमल का नाम बताइए नींबू में जो अमल होता है एसिड होता है उसका नाम बताना है नींबू जो है ये सिट्रस फ्रूट्स में आता है ठीक है आता है और सिट्रस फ्रूट्स में साइट्रिक एसिड होता है अब जो सिट्रस फ्रूट्स है उसमें नींबू भी है हालांकि नींबू एक फ्रूट नहीं है वेजिटेबल है इसमें लेमन आरेंजेस आते हैं संतरे आते हैं मोसम्मी आती है कीनू आता है और ये सारे क्या कहलाते हैं आते हैं सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं मेडिटेरेनियन रीजन जो है वो इसकी ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है सिट्रस फ्रूट्स के लिए क्वेश्चन नंबर थर्टी वन सिट्रिक एसिड आंसर हमारा सी है द कन्वर्जन ऑफ हार्ड वाटर इन टू सॉफ्ट वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड कठोर पानी को उबालकर या उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उसे मृदु जल बनाने की विधि या प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं क्लार्क्स प्रोसेस ये रहा आपका क्लार्क्स प्रोसेस क्लार्क की प्रक्रिया इससे जो टेम्पररी हार्डनेस है वो रिमूव हो जाती है और क्लास की क्लास की प्रोसेस में हम करते क्या है हम भी कंट्रोल्ड क्वांटिटी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं ओके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सिलेक्ट नाइम के नाम से भी जानते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू उत्तर होगा मेरा सी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पडक्कल इज इन एक हमारे यहाँ भारत में एक ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है जो पडक्कल में स्थित है तो पडक्कल एग्जैक्टली कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है ये लोकेटेड है कर्नाटक में हम्पी जो है ये हिस्टोरिक टेम्पल है जिसको कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्ट किया गया है और आंसर हमारा सी है कर्नाटक में है ये 2016 का जो हेमिस फेस्टिवल है इट वाज हेल्ड इन ये कहाँ पर हुआ था वर्ष 2016 का हेमिस उत्सव डैश में आयोजित किया गया था ये आयोजित किया गया था जम्मू और कश्मीर में हेमिस मोनास्ट्री जो है ये एक तिब्बतन बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है ओके लद्दाख रीजन में लोकेटेड है और फोर्टी फाइव किलोमीटर्स फ्राम ले है दो का जो हेमिस फेस्टिवल है वो यहीं पर ऑर्गेनाइज किया गया था आंसर थर्टी के लिए बी है अगले प्रश्न पर चलिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूं आप समझने की कोशिश करना फाइंड आर की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम वन थाउजेंड

फास्टेस्ट ऑफ डिमांड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल इसके लिए फॉर्मूला क्या है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ठीक है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ओके परसेंटेज चेंज इन प्राइस अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मान लीजिए कि पहली क्वांटिटी हमारी Q0 थी और ये बढ़कर हो गई Q1 और पहला प्राइस हमारा P0 था बढ़कर हो गया P1 अब हमें इसको कैसे कैलकुलेट करना होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितनी होगी हम Q1 में से Q0 को माइनस कर देंगे इसको Q0 से डिवाइड करके इंटू हंड्रेड कर देंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगी ये पूरे का पूरा दिस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है हमारा वो है पी वन माइनस पी जीरो डिवाइडेड बाई इनिशियल इनिशियल क्या था पी जीरो पूरे का पूरा इंटू टू ये हमें मिल जाएगा पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब हमसे पूछा गया क्या है आर की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमें क्या करना होता है कि जहां यहां पर देखो हमने इनिशियल प्राइस और सॉरी इनिशियल क्वांटिटी और इनिशियल प्राइस लिया है इंस्टेड यहां पर आर की इलास्टिसिटी में हमें एवरेज लेना होता है एवरेज क्यों क्योंकि आर की इलास्टिसिटी में हमें एवरेज ही तो निकालना होता है आ, आ, क्योंकि पॉइंट इलास्टिसिटी में एक पॉइंट पर निकालना है और आर इलास्टिसिटी में एवरेज तो अगर यहां पर मुझे एवरेज लेना है तो मुझे यहां पर क्यू जीरो की जगह क्यू वन प्लस क्यू जीरो डिवाइडेड बाई टू लेना होगा और यहां पर पी जीरो की जगह मुझे पी वन प्लस पी जीरो डिवाइडेड बाई टू लेना होगा इस तरह से मुझे करना होगा आइए आपको आगे करके दिखाती हूँ अब यहां पर आपसे कहा गया है क्यू uh, कि आपकी जो आर आर्लास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको निकालनी है क्वांटिटी डिमांडेड जो है इट फॉल्स फ्रॉम थाउजेंड टू नाइन फिफ्टी घट पचास घट गई अब घटने के लिए मुझे माइनस फिफ्टी लेना होगा ठीक है ना अब माइनस फिफ्टी को मुझे एवरेज से डिवाइड करना होगा जैसे कि मैंने आप बताया क्यू वन प्लस क्यू टू अब थाउजेंड प्लस नाइन फिफ्टी डिवाइडेड बाई टू ये आपका नाइन सेवनटी फाइव आ जाएगा ओके नाइन सेवनटी फाइव अब इसको इन टू हंड्रेड करना होगा मुझे दिस होल थिंग इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई P1 वन माइनस पी जीरो पी वन माइनस पी जीरो हमारा क्या है uh, P1 वन माइनस पी जीरो हो जाएगा हमारा 40 और एवरेज हो जाएगी 260. सौ साठ दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड ये होगा अब इसको अगर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ तो मुझे मिलेगा माइनस फिफ्टी डिवाइडेड बाई नाइन सेवेंटी फाइव इन हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन इन टू टू सिक्सटी बाई फोर्टी इंटू वन बाई हंड्रेड और अगर आप इसकी पूरे के पूरे की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस वन बाई थ्री आंसर हमारा है माइनस जीरो पॉइंट थ्री थर्टी फाइव के लिए ये हमारा आंसर है प्राइस फ्लोर इज मूल्यतल ओके मूल्य तल क्या होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स आंसर है हमारा बी जो मिनिमम न्यूनतम वैध मूल्य होता है उसको हम कहते हैं प्राइस फ्लोर ओके प्राइस फ्लोर ये इसको कहा जाता है आंसर हमारा थर्टी सिक्स के लिए बी है कॉन्ट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन ट्रोपोस्फियर इज ये आपसे पूछा गया है कि ट्रोपोस्फियर में पानी ट्रोपोस्फियर में पानी के वाष्प का प्रतिशत है कितना इनमें से आपको बताना है देखो ट्रोपोस्फियर जो होता है ये सबसे नीचे वाली लेयर है जिसमें आप और मैं सांस लेते हैं सारे मौसमी परिवर्तन होते हैं जो हमारा एटमोस्फेयर है उसके टोटल पांच लेयर्स होते हैं ओके जैसे ये नंबर वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से जो सबसे निचला है उसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं ठीक है अब ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसी में सारे का सारा जो वाटर वेपर होता है कॉन्सेंट्रेटेड होता है क्योंकि इसी में बादल बनते हैं इसी में ओले गिरते हैं इसी में बिजली कड़कती है इसी में बारिश होती है इसी में धीमी बारिश होती है सब कुछ इसी में होता है मूसलाधार बारिश इसी में होती है तो वाटर वेपर भी सारा यहीं पर होगा परंतु ये वाटर वेपर कितना हो सकता है ये मिनिमम जीरो से लेकर मैक्सिमम फोर तक हो सकता है आंसर हमारा ए है थर्टी सेवन के लिए आंसर हमारा ए है हार्मफुल बैक्टीरिया इन पोर्टेबल वाटर मेक द वाटर पानी के पीने में स्थित जो घटक बैक्टीरिया है उसे पानी को बनाते हैं वो उस पानी को कैसा बना देते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट वो पानी को बनाते हैं पीने के लिए अयोग्य सिंपल सा क्वेश्चन आंसर थर्टी एट के लिए ए है फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज कार्बन टैक्सेस कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है देखो आजकल इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है ओके okay, कि कुछ कंट्रीज कार्बन टैक्स भी लगाने लगे हैं कार्बन टैक्स जो होता है ये ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन करने पर लगाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के ऊपर लगाया जाता है बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि स्वीडन है नॉर्वे है उन्होंने इसको लगा दिया है काफ़ी सारे नॉर्थ अमेरिका के स्टेट्स में भी ये लग गया है ओके अब यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन के लिए पहला बताना है आपको पहला है हमारा न्यूजीलैंडी नाइन डी एलिफेंटा केव्स केव्स आर एलिफेंटा इज लोकेटेड इन सिटी एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये मुंबई में स्थित है ठीक है मुंबई में स्थित है ये आंसर फोर्टी के लिए डी स्प्रिंग टाइड्स अकर वेन बसंत ज्वार बसंत ज्वार कब आते हैं ये कब है आपके कब आते हैं जब क्या होता है देखो बसंत ज्वार क्या होता है रोज हमारे पानी में एक आपका आपकी टाइड्स आती हैं हाई टाइड्स और लो टाइड्स जो स्प्रिंग टाइड्स होती हैं वो नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा होती हैं और ये कब होती हैं ये तब होती हैं जब सन मून और अर्थ जो है ये तीनों एक लाइन में होते हैं ओके और जो मून की ग्रेविटेशनल पुल है उसको सपोर्ट करती है सन की ग्रेविटेशनल पुल दोनों एक ही डायरेक्शन में हो ओके तो आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन के लिए हमारा ए है हिमायूस टूम्ब वॉज बिल्ड बाई हिमायू का जो मकबरा है वो किसके द्वारा बनवाया गया था क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू ये हिमायूँ की जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम उनके द्वारा बनवाया गया था ओके okay? हिमायू का जो टूम्ब है ये दिल्ली में है सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगी और इसका काम शुरुआत करे काम की शुरुआत करवाई करुआ गई थी करीबन फिफ्टीन सिक्सटी नाइन में और इसके आर्किटेक्ट का भी नाम आपको बताना चाहूंगी आर्किटेक्ट का नाम है मिरक मिर्जा ग्यास ओके ये इनका नाम है और ये पर्जियन आर्किटेक्ट थे जिसको कि हमिदा बानो बेगम ने सेलेक्ट किया था आंसर हमारा बी है इनकी बहन जो थी हिमायु की उनका नाम था गुलबदन बेगम उन्होंने इनकी जीवनी लिखी है ये सभी चीजें आप याद रखना फोर्टी टू के लिए आंसर हमारा बी है लेकिन और ये भी याद रखना कि हिमायू का जो टूम है उसको प्रिकर्सर टू ताजमहल कहा जाता है कि हिमायू का जो टूम है मकबरा है उसको देखकर ताजमहल बनवाया गया था फोर्टी टू आंसर हमारा बी है बिल्ड साबरमती आश्रम साबरमती आश्रम किसने बनवाया आपसे ये पूछा गया है महात्मा गांधी जी ने बनवाया था ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री के लिए आंसर हमारा डी है साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में लोकेटेड है बनवाया था महात्मा गांधी ने फोर्टी थ्री आंसर डी है विच मूवी गॉट द बेस्ट फिल्म अवार्ड फॉर टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन आइफा अवार्ड दो हजार चौदह सोलह के जो किस फिल्म को वर्ष दो हजार सोलह में आइफा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है फोर्टी फोर बजरंगी भाईजान को मिला है ये पुरस्कार आंसर हमारा डी है फाउंटेन पेन लीक इन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पेन लीक क्यों करते हैं देखो आ, ज, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि एक बॉडी के ऊपर एग्जर्ट किया जा रहा है वो और बॉडी जो बाहर की ओर अंदर से प्रेशर एग्जर्ट करती है एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर आपके बराबर होते हैं ठीक है बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ों पर ऊपर चढ़ाई करता है उसको वॉमिटिंग फीलिंग आती है या फिर उसकी नोज ब्लीडिंग होने लगती है ऐसा क्यों होता है जैसे जैसे आप ऊपर ऊंचाई उच, की ओर जाते हैं ऊपर जाते हैं आप तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ठीक है जो एटमोसफियरिक प्रेशर है वो कम होता जाता है वो कम होता जाएगा अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाकर कम हो रहा है लेकिन हमारे बॉडी का जो इंटरनल प्रेशर है वो तो सेम है अब फाउंटेन पेन के अंदर जो अंदर लिक्विड है जो इंक है वो तो जो एक्सटर्नल प्रेशर एक्ज कर रही है वो सेम है लेकिन एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो गया जब ये दो, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तब तो कोई लीकेज नहीं होती पर जैसे ही ये बाहर वाला प्रेशर कम होगा तो लीकेज हो जाएगी क्वेश्चन नंबर फोर्टी के लिए क्यों पेन लीक करता है पेन के बाहर कम वायुमंडलीय दबाव के कारण पेन लीक करता है आंसर हमारा डी है फोर्टी के लिए डी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग विंड वेलोसिटी इज हवा के वेग को मापने के यंत्र को कहा जाता है क्या 46 सिक्स आपसे पूछा गया है so, उसको कहा जाता है अनिमोमीटर आंसर हमारा बी है क्वेश्चन नंबर 46 सिक्स बी हमारा आंसर है अनिमोमीटर डिवाइस है जिससे हम मेजर करते हैं स्पीड ऑफ विंड आंसर 46 सिक्स विल बी बी इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डस द प्रेसिडेंट टेक ओथ निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं उस वक्त उपस्थित होने चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश को उस वक्त उपस्थित होना चाहिए 47 के लिए आंसर हमारा सी है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे आपको उनका नाम बताना है उनका नाम है सुकुमार सेन ओके okay? सुकुमार सेन थे ये इंडियन सिविल सर्वेंट थे भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे बहुत लंबे पीरियड के लिए उन्नीस सौ पचास से लेकर करीबन नाइनटीन फिफ्टी एट तक इन्होंने काम किया एज द इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर फोर्टी एट के लिए आंसर बी फिल माइकलसन प्लेज विच इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ही प्लेज गोल्फ गोल्फ खिलाड़ी के खिलाड़ी का नाम है ये फोर्टी नाइन आंसर ए है अंतिम प्रश्न हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वाइट टाइगर ये जो पुस्तक है द वाइट टाइगर इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है ये पुस्तक लिखी गई है अरविंद अधिगा द्वारा ठीक है ये इनका डेब्यू नॉवल है ठीक है पहला नॉवल जो इन्होंने लिखा ये भारतीय ऑथर है अरविंद अधिगा और इस पुस्तक को पब्लिश किया गया था दो में और साथ ही साथ अरविंद अधिगा को फोर्थ एक् चालीसवा मैन बुकर प्राइस भी दिया गया था 2008 का इसी पुस्तक के लिए और इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन खत्म होती है मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं ऑल द बेस्ट बाय बाय